हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिरामिड्स के ऊपर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग के। ज़मीन से 480 फीट ऊँचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लेब था। रिसर्चर का मानना था कि इस स्लेब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लेब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लेब के उस पार ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई भी एक इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है, और इस पिरामिड की बेस एरिया 13 एकड़ है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसका टोटल वजन का अंदाज़ लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊँचे और शानदार पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं था, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया और कैसे 50 टन वजनी पत्थर को स्क्वायर शेप में कट करे बगैर क्रेन मशीन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ ही साथ इनकी तमाम साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान पाएंगे इस वीडियो में। चैलेंज नंबर वन, कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम ने इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थर का वजन झेल सके। उसके बाद पोलार स्टार, यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर टू, नेक्स्ट चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का इस पहाड़ का खड़ा हो पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास ना ही लेज़र लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी का लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशियंट इजिप्ट ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियाँ और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बांधा हुआ है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बेस की ज़मीन परफेक्टली लेवल है। चैलेंज नंबर थ्री, अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइड पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास मशीन था और ना ही जैक हैमर, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिए।
लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, ये वही सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होते हैं और पत्थर नहीं काट सकते, इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सिन भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सिन से बनाई गई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़े से पत्थर पर ठोकी जाती थी और कई घंटे के बाद बड़े बड़े पत्थर को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतने ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक मौजूद था। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के दरमियान मौजूद रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइड पर पहुँचाया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूर आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपना कई सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लान कर लिया गया था, या तो स्पिरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूर की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, चैनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट थे। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टोन माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4,500 साल पहले ग्रेनाइट को कैसे कट किया गया। इसमें एक्सपर्ट का मानना है कि प्लेन धार वाले आरे से, जिसके दांत ही नहीं थे, उसको ग्रेनाइट के ऊपर रख कर चलाया जाता था और बीच में बाजरी डाली जाती थी और उसी से ही ग्रेनाइट को कट किया जाता था। आखिरकार पिरामिड का बनाने का मकसद क्या था? और रोबोटिक कैमरे ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर की स्लेप में सुरंग किया तो उसके अंदर कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पे। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।